सो इस वीडियो में हम G81 साइकिल के बारे में बात करेंगे। G81 साइकिल जो एक सिंगल पैक ड्रिलिंग साइकिल है, उसका हम यूज़ फानुक कंट्रोलर में किस तरह से करेंगे। सो हमने इसके अगले वीडियो में देखा कि G83 साइकिल की मदद से हमने 6.8 mm का होल इस चार कोऑर्डिनेट्स पे किया है। नाउ हमें यहाँ पर टैपिंग भी करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें चैम्फरिंग करना आवश्यक है। सो, सबसे पहले हम यहाँ पे G81 साइकिल का यूज़ करेंगे। हमारे पास एक ड्राइंग अवेलेबल है, 6.8 के होल हमने ऑलरेडी कर दिए। नाउ हमें चैम्फरिंग करना है इस चार होल पे, तो वो हम कैसे करेंगे, चैम्फर कटर की मदद से। सो, ये हेडर है G21, G90, G15, G80, G94। नाउ T2 हमने टूल को कॉल किया, 416 की चैम्फर कटर हमारे पास अवेलेबल है। M6 टूल चेंज कमांड, G54 यानी वर्क ऑफसेट को एक्टिवेट किया, G43 यानी जो टूल लेंथ है चैम्फर कटर की उसको रीड करने के लिए G43 कमांड का यूज़ होता है, और जो टूल लेंथ है वो H2 में वैल्यू इनपुट की हुई है। सो H2 लिखना हमें भूलना नहीं है। Z200 पे आके हमारा जो टूल है चैम्फर कटर का वो आके रुक जाएगा। फिर हमने कटिंग पैरामीटर यहाँ पर अप्लाई किए, स्पिंडल स्पीड है वो 2200 RPM, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि M03, फीड है वो 400 की। नाउ यहाँ पर ड्राइंग की मदद से हम इजीली कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होल पे मुझे चैम्फरिंग करनी है, सो G0 X12.5 एंड Y12.5। फिर जो हमारा टूल है वो G0 Z+10 पर आके रुक जाएगा। नाउ यहाँ पर G81 साइकिल सिर्फ हमें तीन ही चीज़ें अप्लाई करनी है एंड हमारा जो चैम्फरिंग का ऑपरेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। G81, ये तो सिंपल सी बात है कि G81 तो वो सिंगल पैक ड्रिलिंग साइकिल है, राइट। एक ही पैक में जो हमने डेप्थ दी है उसे अचीव कर लेगा इस साइकिल में, जबकि 83 में क्या थी कि हमने जो अमाउंट ऑफ पैक अप्लाई की है, जैसे कि तीन अमाउंट के पैक लगाने हैं मुझे ड्रिल में, तो वहाँ ये इजीली कर पाएगा। बस हमें यहाँ पे क्यों देना ही नहीं है, क्योंकि हमें एक ही पैक में हमारा काम पूरा कर देना है। जैसे कि कास्टिंग मटेरियल होगा तो सिंगल पैक में चिप तो वहाँ पर जो एकदम पाउडर के फॉर्म में निकलेगी तो चिप के कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन MS मटेरियल देखा जाए तो वहाँ पर दिक्कत होती है। सो, इसीलिए हम चिप ब्रेकिंग के लिए थोड़े से पैक में हम ड्रिलिंग करते हैं। अभी चैम्फरिंग ऑपरेशन चल रहा है, सो G81 तो सिंगल पैक ड्रिलिंग साइकिल, सो कितनी डेप्थ में हमें चैम्फर कटर को लगाना है, तो Z-2 तक अगर मैं अपनी चैम्फर कटर को उतारूंगा तो चैम्फर परफेक्ट आ जाएगी। R5 यानी कि जो रेफरेंस प्लान है कि हर बार जो हमारा ऑपरेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद वो R5 पे यानी कि Z5 पे आके रुक जाएगा। इस कोऑर्डिनेट पे हमारा टूल आ गया है, फिर G0 Z+10 पे अभी रुका हुआ है। नाउ G81 साइकिल को वो रीड करेगा, तुरंत ही R5 है यानी कि वो G0 रैपिड की फीड में 5 mm तक जाके रुकेगा Z+5 पे। उसके बाद वो फीड में चलना शुरू कर देगा -2 तक। G0 Z+5 से G01 Z-2 पर जाके वो चैम्फर कर देगा और G0 रैपिड में Z+5 पे आके रुक जाएगा। उसकी फीड होगी 5400 400। नाउ Z+5 पे आके वो तुरंत ही जो उसका रिट्रैक प्लान है Z+10 वहाँ पर जाके रुक जाएगा, क्योंकि जब भी ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, जब वो नेक्स्ट होल में शिफ्ट होगा हमारा टूल, वो रिट्रैक प्लान है Z+10 वहाँ पर आके रुक जाएगा। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा, नेक्स्ट होल है वो -12.5, X-12.5 एंड Y+12.5, तो वहाँ पर जाके वो फिर से जो ड्रिलिंग साइकिल है उसको रीड करेगा। Z10 से वो Z5 तक जाएगा, फिर फीड में Z-2 तक जाएगा, फिर रैपिड में Z5 तक आएगा एंड यहाँ पर होल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट होल के लिए जाना है, उससे पहले वो Z+10 पर आके रुक जाएगा एंड देन नेक्स्ट होल है -12.5, Y-12.5, वहाँ पर
सेम प्रोसीजर और उसी तरह से यहाँ पर भी। सो ये G81 साइकिल काफ़ी इजी है, सिंगल पेक ड्रिलिंग साइकिल। उसी तरह से G83 साइकिल भी इजी है, वो ये भी आप देख सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट गाइज़।